हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। मैं हूं आपका दोस्त हैरी और आज अपन देख रहे हैं M4 का और एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कॉचेज इंटीग्रल थ्योरम। तो उसमें से मैंने पहला ही समझो लिया है, वो देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ सी जेड प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 डाउ जेड, फिर सी इज अ सर्कल ऐसा दिया है और जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा पढ़ के आप सबसे पहले क्या समझे, सी इज अ क्लोज्ड कर्व दैट इज सर्कल विथ सेंटर। तो वो कैसे ढूंढोगे, वो यहाँ पर ढूंढो। सर्कल के बारे में क्या बताया गया है, जेड माइनस 1, इट मीन्स दैट माइनस 1 मतलब 1 एंड 0, दीज आर द टू पॉइंट्स ऑफ सेंटर, ओके। एंड रेडियस, रेडियस कौन सा होता है, इक्वल टू के बाद जो दिया है, दैट इज 1। तो ये पता चला कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 एंड 0 टू पॉइंट्स है एंड रेडियस इज 1, ओके, वी गॉट दैट। नाउ जब ये चीज़ आपको पता चल चुकी है, तो देखो अभी जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5, ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है, इसके आप लोग रूट्स ढूंढ सकते हो 2z प्लस 5, और इसके रूट्स ढूंढने के लिए आपको खुद को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। ये देखो ऐसे कैलसी ले लो, कैलसी ले ली, बस ऑन कर दो, देन मोड में फिफ्थ ऑप्शन सिलेक्ट करो, दैट इज इक्वेशन। देन मेरा ये जो इक्वेशन है ये कौन सा है, देखो थर्ड फॉर्म में आता है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो मैंने ऑप्शन 3 सिलेक्ट कर दिया, अभी बस मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ, देखो 1 देन माइनस 2 है ये एंड देन 5, ये वैल्यू डाल दी, क्या मिला मुझे, x1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2i एंड 1 माइनस 2i, ओके। अगर ये दो चीज़ें मुझे, ये दो चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, तो इट मीन्स दैट दिस गिव्स मी जेड इक्वल्स टू, क्या मिला है आपको, 1 प्लस 2i एंड 1 माइनस 2i, ये दो रूट्स आपको मिल चुके हैं। अभी ये ढूंढो कि ये दो पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर ना एक अपना सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, इफ दिस इज माई सर्कल, और सर्कल का 0 मतलब चलो सपोज ये मेरा पॉइंट 0 है, तो यहाँ से लेके रेडियस कितना है मेरा, माई रेडियस इज 1, सो दिस इज 1 सेंटीमीटर ऐसा मान के चलो। तो मेरे जो रूट्स आए वो तो क्या है, 1 प्लस 2i एंड 1 माइनस 2i, 1 के आगे प्लस 2i भी है और इधर माइनस 2i भी है, तो ये दोनों कहाँ पर लाई करता है, इस 1 सेंटीमीटर के बाद। इट मीन्स दिस बोथ दी पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स मुझे मिले, ये दोनों भी पॉइंट्स मेरे कहाँ लाई कर रहे हैं, इस सर्कल के आउटसाइड, बिकॉज मेरा रेडियस ही 1 है। अगर इसके आउटसाइड लाई कर रहे हैं, तो फिर कॉचेज थ्योरम से आप लोग क्या बोल सकते हो कि दैट विल बी इक्वल्स टू 0। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, दैट इज ये लिखना जरूरी हो, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, ये पूरा इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, देखो जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इज एनालिटिकल, क्या बोलना है आपको, सबसे पहले कॉचेज थ्योरम अप्लाई करने से पहले ये प्रूव करना होता है, इज एनालिटिकल इन एंड ऑन सी। और ये मैंने क्यों बोला, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स आउटसाइड लाई कर रहे, सो इज एनालिटिकल इन एंड ऑन सी एंड हेंस बाय कॉचेज थ्योरम, क्या बोल सकते हैं अपन, हेंस बाय कॉचेज थ्योरम। और ये पूरा स्टेप्स लिखना है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हेंस बाय कॉचेज थ्योरम, इंटीग्रल ऑफ जेड एफ ऑफ जेड डाउ जेड इक्वल्स टू 0, ये कॉचेज थ्योरम बोल रहा है। अगर वो दो पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहे, इट मींस दैट वैल्यू विल बी 0, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ जेड प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5, ये जो दिया गया था, दैट इज डाउ जेड इज इक्वल्स टू 0, तो उसका ये इंटीग्रल कितना आ रहा है, 0 बाय कॉचेज थ्योरम, ओके। बस इतना ही लिखना है और ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है, तब भी पूरे 5 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, ओके। दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द कॉचेज थ्योरम। थैंक यू।